हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था सेंसरी एरिया की। तो ये जो है लास्ट वीडियो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शनिंग का। तो इसमें हम बात करेंगे एसोसिएशन एरियाज की, ठीक है। तो तीसरा जो पार्ट है वो है आपका एसोसिएशन एरिया, ठीक है। तो एसोसिएशन एरिया, तो एसोसिएशन एरियाज क्या होते हैं? दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये जो है अलग है सेंसरी और मोटर एरिया से, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर एंड अदर एरियाज ऑफ, एंड अदर एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाय एसोसिएशन ट्रैक्ट्स, एसोसिएशन ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये जो है ये वो एरियाज है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या अदर एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं बाय द एसोसिएशन ट्रैक्ट। एसोसिएशन ट्रैक्ट क्या है ये हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप चाहे तो उसको एसोसिएशन ट्रैक्ट्स के वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब एसोसिएशन एरियाज में आपके मेनली जो है तीन एरियाज आते हैं, एक दो और तीन। पहला जो है वो रहेगा आपका प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया। सेकंड जो रहेगा आपका प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। और तीसरा जो रहेगा आपका सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, ठीक है। अब ये जो इसमें प्री मोटर एरिया है, ठीक है, प्री मोटर एरिया जो है वो आपका कहां लोकेटेड होता है? इट लाइज इन द फ्रंटल लोब। पहले तो ये फ्रंटल लोब में है, ये जान लीजिए, ठीक है ना। फ्रंटल लोब मतलब आपका ये वाला, इस तरफ वाला पार्ट, ठीक है, फ्रंटल लोब में है। फ्रंटल लोब में होने के बाद इन द फ्रंटल लोब इमीजिएटली एंटेरियर टू द मोटर एरिया, इमीजिएटली एंटेरियर टू द मोटर एरिया, है कि नहीं। तो ये आपका मोटर एरिया था, इसी के एंटेरियर में यहां पे आपका प्री मोटर एरिया। और ये जो है आप बोल सकते हो कि मेजरली इन्वॉल्व रहता है कि आपके इसमें लर्निंग पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स में, तो लर्न पैटर्न ऑफ मूवमेंट। ये पैटर्न ऑफ मूवमेंट मतलब जैसे आप शू की लेस बांधने की जो प्रैक्टिस है वो बार बार करने से आती है, तो उस टाइप का जो मूवमेंट का प्रैक्टिस होता है उसकी जो लर्निंग होती है ये आपका प्री मोटर एरिया जो है ये कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर सेकेंड एरिया प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया आपका कहां से कहां होता है? इट एक्सटेंड्स एंटेरियरली फ्रॉम द प्री मोटर एरिया टू इंक्लूड द रिमाइंडर ऑफ द फ्रंटल लोब, जितना फ्रंटल लोब का बच गया पार्ट, रिमाइंडर ऑफ फ्रंटल लोब, ठीक है ना। और ये आपका इसके फंक्शन में हम क्या बोल सकते हैं? इसके फंक्शन में हम बोलते हैं इट इन्वॉल्व इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ये जो है आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है, मतलब जो दिमाग वाले काम होते हैं ना, बुद्धि वाले काम, उसमें ये मेजरली इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और उसके बाद सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया को ही देखो, ये यहां पर है, ये वर्निक्स एरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेंसरी स्पीच एरिया, इट इज सिचुएटेड इन टेम्पोरल लोब। ये टेम्पोरल लोब में है, तो आप बोल सकते हो कि
situated in temporal lobe adjacent to the parieto-occipital area. Adjacent to the parieto-occipital area. Parieto-occipital area. और ये जो है mainly involved रहता है in understanding of language. ये language को understand करने में help करता है. तो इस type से आपके cerebral cortex के ये तीन area हो गए. ठीक है. तो हमने अभी तक क्या देखा कि आपके cerebral cortex जो है उसकी functioning जो है वो तीन area through control होती है. तो cerebral cortex की functioning अगर हम देखें तो फंक्शनल एरिया तीन है. पहला तो है मोटर एरिया जिसमें पूरे मोटर, तो ये इधर में सेंट्रल सर्कस के सामने वाले साइड में पूरे मोटर एरियाज है. फिर उसके बाद सेंसरी एरियाज है, सेंसरी एरियाज ये सेंट्रल सर्कस के पीछे वाले जो है वो, और तीसरा जो है आपका एसोसिएशन एरिया. तो एसोसिएशन एरिया जो है ये मिक्स है, कुछ सेंटर जो है आपको सामने मिल रहे, कुछ जो है पीछे मिल रहे. ये सेंटर एक दूसरे से एसोसिएशन ट्रैक से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसका नाम जो है क्या है, एसोसिएशन एरियाज नाम है. तो यहां आपका सेरिब्रम फिनिश हुआ. थैंक यू.